नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें सबसे पहले ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए। वाराणसी काशी में एक ऐसा भी थाना है जहां आज भी थाने का प्रभारी थाने की मुख्य कुर्सी पर बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो बैठा भी होता है तो अपने ऑफिस में कुर्सी के बगल में एक दूसरी कुर्सी लगाकर। दरअसल ये थाना है वाराणसी कोतवाली का, जहां के इंचार्ज बाबा काल भैरव को कहा जाता है। यही नहीं, आज तक इस थाने का निरीक्षण किसी डीएम या एसएसपी ने नहीं किया है, क्योंकि वो तो खुद ही अपने ज्वाइनिंग से पहले यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं और जिसे बाबा चाहते हैं वो नगरी में कार्य करता है। तो आइए जाने क्या है इस मंदिर और इस थाने की अनसुनी कहानी। वाराणसी विश्वेश्वरगंज इलाके में शहर का कोतवाली थाना है और इसी थाने के ठीक पीछे बाबा काल भैरव का मंदिर है। वर्तमान प्रभारी राजेश सिंह ने बात करते हुए कहा कि ये परंपरा आज की नहीं है, ये परंपरा सालों से चली आ रही है। कोतवाली थाने के इस इंस्पेक्टर के ऑफिस में दो कुर्सियां लगाई गई हैं, जिसमें जो मेन चेयर है उस पर बाबा काल भैरव विराजमान होते हैं और इस थाने का इंस्पेक्टर बगल की कुर्सी पर बैठता है। यही नहीं, राजेश सिंह ने कहा कि इस थाना क्षेत्र में अपराध से लेकर सामाजिक कार्यों और फरियादियों की फरियाद का निस्तारण बाबा करते हैं, इसलिए इन्हें विश्वनाथ की नगरी का कोतवाल भी कहा जाता है। जिस भी आईएएस और आईपीएस की तैनाती शहर में होती है या इस थाने में जिस भी पुलिस वाले की तैनाती होती है, वो बाबा काल भैरव की पूजा करने के बाद ही अपना कामकाज शुरू करता है। इस थाने पर तैनात सिपाही सूर्यनाथ चंदन ने बताया कि मैं 18 साल से खुद इस थाने में तैनात हूँ। मैंने अभी तक किसी भी थानेदार को अपनी कुर्सी पर बैठते नहीं देखा, बगल में चेयर लगाकर ही प्रभारी निरीक्षक बैठता है। हालांकि इस परंपरा की शुरुआत कब और किसने की ये कोई नहीं जानता, लेकिन माना जाता है कि अंग्रेजों के समय से ही यह परंपरा चली आ रही है। साल 1715 में बाजीराव पेशवा ने काल भैरव मंदिर का निर्माण किया, जीर्णोद्धार किया। वास्तुशास्त्र के मुताबिक बना ये मंदिर आज तक वैसा ही है। बाबा काल भैरव मंदिर के महंत पंडित नवीन गिरी ने बताया, यहाँ हमेशा से एक खास परंपरा रही है। यहाँ आने वाला हर बड़ा प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी सबसे पहले बाबा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेता है। काल भैरव मंदिर में रोजाना 4 बार आरती होती है। रात की शयन आरती सबसे प्रमुख होती है। आरती से पहले बाबा को स्नान कराकर उनका श्रृंगार किया जाता है, मगर उस दौरान पुजारी के अलावा मंदिर के अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती। बाबा को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, एक अखंड दीप हमेशा जलता रहता है। वहीं बटुक भैरव मंदिर के महंत पुजारी विजय पुरी ने बताया, ब्रह्मा ने पंचमुखी के एक मुख से शिव निंदा की थी, इससे नाराज काल भैरव ने ब्रह्मा का मुख ही अपने नाखून से काट दिया था। काल भैरव के नाखून में ब्रह्मा का मुख अंश चिपका रह गया, जो हट नहीं रही रहा था। भैरव ने परेशान होकर सारे लोकों की यात्रा कर ली, लेकिन ब्रह्मत्या से मुक्ति नहीं मिल सकी। तब भगवान विष्णु ने काल भैरव को काशी भेजा। काशी पहुंचकर उन्हें ब्रह्मत्या के दोष से मुक्ति मिली और उसके बाद वे वहीं स्थापित हो गए। ज्ञान गंगा से जुड़े रहने के लिए ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर यह सब्सक्राइब बटन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करिए और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन नजर आएगा। ये देखिए, ये बेल आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो
आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिल जाएंगे। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।